अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है, मैं हूँ फातिमा शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सरायमीर में सियासी मंच से मोहब्बत का संदेश देते हुए शादाब आजमी शायर के माध्यम से गठबंधन के बारे में बताया कि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन ही जीतेगा। सरायमीर से ओमकार राज की रिपोर्ट। जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, मैं एक शायर हूं और इससे पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया, खास तौर से मेरे साथ इस वक्त मेरे दोस्त जफर भाई मौजूद हैं, और कई दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि आजमी साहब, आप जो बातें मुशायरे के मंच से करते हैं, कभी सम्मेलन के मंच से करते हैं, कौमी एकजहती की बातें, मोहब्बत के पैगाम को आम करने की बातें, एक मंच ऐसा और है जहां से इस पैगाम को आप आम कर सकते हैं, इस संदेश को आप पूरे देश भर में पहुंचा सकते हैं, वो है राजनीति का मंच, सियासी मंच। तो मुझे लगा कि वाकई ऐसा हो सकता है कि जो काम मैं मुशायरों के मंच से करता हूँ वही काम सियासी मंच से भी करूँ तो दूर तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी और लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंचेगा। तुमने मैंने फैसला किया कि चलिए ठीक है, यही करके देख लेते हैं, सियासत में भी आते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। आप तो जानते ही हैं इस वक्त देश में कैसा माहौल है, एक दूसरे को बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत हो रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत हो रही है, चाय और गाय के नाम पर सियासत हो रही है। पूरे 5 साल बीत ही गए इसी में, चाय और गाय के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर और मंदिर मस्जिद के नाम पर। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले जो 5 साल हैं उसमें नफ़रत को ख़त्म किया जाए, मोहब्बत की बातें की जाए, मोहब्बत के पैगाम को। हाँ सर, आप जो है इसके किस पार्टी से कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त जफर भाई मौजूद हैं, ये बसपा से ताल्लुक इनका है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है दोनों सीटों पर। लालगंज सीट से हमारी मोहतरमा संगीता आज़ाद साहिबा हैं, उनके लिए मैं निकलूँगा, और आज़मगढ़ सदर से माननीय अखिलेश जी हैं, तो मैं उनके लिए भी कोशिश करूँगा, लोगों तक जाऊँगा और लोगों को जोड़ने की कोशिश करूँगा। पर मुझे वो पूरी उम्मीद है कि आज़मगढ़ से ये दोनों सीटें भारी मतों से दोनों लोग कामयाब होंगे, वे भारी मतों से जीत लेंगे। और जो राहुल गांधी जो है, माननीय राहुल गांधी कहते हैं चौकीदार चोर, क्या आप ऐसा है कि हमें अब चौकीदार नहीं चुनना है, क्योंकि अगर हम चौकीदार चुनेंगे तो हो सकता है कि वो भी चोर निकले। हमें चौकीदार नहीं चुनना है बल्कि हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री चुनना है देश के लिए। आप बीजेपी के बारे में कुछ कहें? देखिए, जो कुछ भी कहा मैंने वो नाम तो नहीं लिया, अच्छा हुआ कि आपने नाम ले लिया। इस वक्त 5 साल जो बीते हैं बीजेपी की सरकार में, मैंने पहले ही बताया कि जो असल मुद्दे बेरोजगारी है, अशिक्षा है और तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा नहीं होती। बिला वजह के मुद्दे उठाए जाते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर और चाय और गाय के नाम पर, और इसके अलावा और हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है, बांटा जा रहा है, लोगों के दिलों में नफरत फैलाई जा रही है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में यही किया है, इसके अलावा और कुछ किया ही नहीं, यही एक काम किया है, दिलों में नफरत पैदा करने का। तो आइए इस नफरत को ख़त्म किया जाए और मोहब्बत को आम किया जाए। मैं क्योंकि एक शायर हूँ तो शायरी के हवाले से, शायरी के माध्यम से 4 मिसरे मैंने कहे हैं कि चाहत वफा खलूस का एक जाम लाया हूँ, चाहत वफा खलूस का एक जाम लाया हूँ, एक सुबह और एक नई शाम लाया हूँ,
मेरे करीब आओ, मेरी बात को सुनो, है दोस्तों मैं अमन का पैगाम है। बहुत सर, आप सर जो है देखिए, हमारी एक शादाबाद में सर अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं, इन्होंने जो बातें की गई मैं उन्हीं की बातों का समर्थन करता हूँ और मैं भी वही बातें की कहूँगा। ये जो इन्होंने कहा ये सही है, इसी पर मत किया जाएगा। आने वाली 12 तारीख को मेरी ये अपील रहेगी सभी लोग जो है हाथी वाला बटन दबाएं ताकि हमारे जो प्रत्याशी संगीता आज़ाद है वो जीत कर संसद में पहुँचे, ताकि जो भी समस्याएँ हैं वो दूर हों। सर, जो बटन दबाने का आप बात किए हैं, जो मशीनें बहुत गड़बड़ निकल रही हैं आपने? नहीं, ये तो सही है कि अभी देखिए रामपुर है, कई जगह इलेक्शन हुए हैं, वहाँ जो है चोरी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है मशीनों में गड़बड़ी करा रही है। ये इलेक्शन कमिश्नर से मेरी अपील है कि इस पर रोक फौरन लगाई जाए ताकि चोरी ना सके। सर, आप सारे साथ माध्यम से मैं इस माध्यम से यही कहूँगा कि आज हिंदुस्तान का मशहूर महरूफ शायर जिन्होंने शादाबाज में तो आपने मुखातिब किया है इस चैनल से, तो उन्होंने जो बातें कही है बहुत कीमती बातें कही हैं, बहुत कीमती वक्त की बात है। यहाँ नसीम साहब साहब हैं, हारून माजमी फुलसुर से हैं, शफी आजमी साहब हैं, हसन बकर साहब हैं, कई लोग यहाँ हैं और कुछ लोगों का नाम मुझे जहन नहीं है। यहाँ सब लोग यही चाहते हैं गठबंधन की सरकार इसलिए बने कि मौजूदा हालात में जो सरकार है, जो सरकार चला रही है, बहुत लोग बता रहे हैं। टेलीविज़न के हवाले से, अखबारों के जरिए लोगों ने पढ़ा है क्या वादे किए जा रहे हैं, कि मौतों पर काम किया जा रहा है, झूठे झूठे वादे किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें सबके सामने हैं, सबको याद है, वो यूँ भी याद है, सबको नोटबंदी का दिन याद है, लाइन में खड़े रहे बैंक में जा करके, GST भी याद है तमाम लोगों को। इसलिए यहाँ की जनता बहुत जाग चुकी है और गठबंधन की सरकार के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं और उन सारे चीज़ में देखते हैं। आप जो है 2019 की जो लोकसभा चुनाव है, आप उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो दिया प्यार का जलाना है, इन अंधेरों को अब मिटाना है, हर तरफ रोशनी का मंजर हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। ये हिंदुस्तान जहाँ तीरगी फैली हुई है, जहाँ जुल्म कमज़ोरों पर अत्याचार हो रहा है, जो कमज़ोर तबका है वो और दबाया जा रहा है, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है, मैं यही चाहूँगा। इस हिंदुस्तान के लिए बहुत मशहूर है कि यहाँ अनेकता में एकता पाई जाती है, अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ आपसी मोहब्बत पाई जाती है, ये चीज़ पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपसी इत्तेहाद बना रहे और अमन का माहौल कायम रहे और ऐसी सरकार लाई जाए जो गरीबों के दुख दर्द को समझे, किसानों के दुख दर्द को समझे, सबको अपना जाने, और इसी से हिंदुस्तान तरक्की करेगा और फिर से इसी से सोने की चिड़िया बनेगा। आपको सर क्या लगता है, मांग गठबंधन? बिल्कुल, अगर किसी तरह की मशीन ही कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि ये गठबंधन जो है पूरी तरह कामयाब होगा। इस वक्त देखिए मेरे साथ शायर है, रजब अली साहब हैं, हारून साहब हैं और नसीम साहब हैं। इसके अलावा ज़िले के सैकड़ों ऐसे शायर हैं जो मेरे साथ हैं और वो सब मेरे कांधे से कांधा मिला करके चलने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक तारीखी जीत, एक ऐतिहासिक जीत होगी दोनों सीटों पर। मैं एक बात और भी यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो सबका है, हिंदू और मुसलमान यहाँ बसते हैं, सिख ईसाई बसते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह से है, हिंदू और मुसलमान इसकी दो खूबसूरत आँखें हैं। ये याद रखा जाए कि अगर किसी एक आँख को भी नुकसान पहुँचता है तो ये दुल्हन अंधी और बदसूरत हो जाएगी। तो हमारे मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि हम सब आपस में मिलजुल करके रहें, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए, सबको बराबर समझा जाए, और यही एक बात इस सरकार में नहीं हुई है। नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, तो मैं समझता हूँ कि ना तो सबका साथ ही हुआ है और ना सबका विकास ही हुआ है। सही बात। तो मुझे उम्मीद है कि फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज 7 में इतना ही, और भी ताज़ा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।